केसर, अब इतनी आसानी से ही आशीर्वाद तुझे नहीं देगी। अब नहीं, आशीर्वाद कमाने पड़ते हैं। अब यह आशीर्वाद उस दिन तुझे मुझसे मिलेगा जिस दिन तू ये साबित करके दिखा देगी कि तू ठक्कर परिवार की बड़ी बहू के सारे कर्तव्यों को बखूबी निभा सकती है। और हाँ, एक महीना है तेरे पास मेरा यह आशीर्वाद कमाने के लिए, सिर्फ एक महीना। मैं वादा करती हूँ बा, एक महीने में आपका आशीर्वाद लेकर रहूंगी मैं। रुक जा, मेरी रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, मां अन्नपूर्णा का मंदिर है जहां मेरे द्वारकाधीश के लिए भोग भी बनता है। मेरी रसोई में झूठे और धोखेबाज लोगों के लिए परवानगी नहीं। भाभी आप चिंता मत करिए, बा आपको जब तक फिर से अपना नहीं लेती आपके साथ हूँ। मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं रुपल, मेरा मन नहीं है। मामी और शिवानी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि उनका भी व्रत है आज। एक मिनट, कहीं आपने सुमित भाई के लिए व्रत तो नहीं रखा? ये बात तो बा को पता चलनी चाहिए कि आपने सुमित भाई के लिए व्रत रखा है। नहीं नहीं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। व्रत मैंने अपनी मर्जी से रखा है, किसी को खुश करने के लिए नहीं। तो केसर बा की चाय का कप है, उन्होंने चाय नहीं पी। अब मुझे सच में गुस्सा आ रहा है, ये सिर्फ बाकी चाय का कप नहीं है, उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है, आपके दिन की शुरुआत है, आज ये कड़ी भी टूट गई। क्या हो रहा है इस घर में, समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुमित मामा, सुमित मामा, सुमित मामा, जल्दी चलिए, मामी ने आपके लिए व्रत लगा है, वो उनका पहला व्रत है ना, इसलिए उनको कुछ पता ही नहीं है इसमें क्या क्या करना होता है। रुक्मिणी जी ने मेरे लिए व्रत रखा हुआ। सुमित भाई ये चक्कर बताइए ना, नमक ठीक है या नहीं? घर में सभी औरतों का तो व्रत है, इसलिए आपको ही चखना पड़ेगा। वो जुकाम है ना मुझे, कुछ स्वाद का पता ही नहीं चलता। वैसे देखने में तो ठीक ही लग रहा है, स्वाद भी अच्छा ही होगा। एक मिनट, कहीं आपने भी रुक्मिणी भाभी के साथ व्रत तो नहीं रखा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।